हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप गूगल पे यूज करते हैं और आपको गूगल पे यूज करने में दिक्कत आ रही है, जैसे कि आपके सामने कोई एरर आ रहा है या फिर आप पैसे ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहे हैं, फिर आपके पैसे फंस गए हैं, तो इस प्रॉब्लम को आखिर हम किस तरीके से ठीक कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये कम्प्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको वीडियो में बिना झिझक करे हुए मैं आपको ये बता देता हूँ, अगर आपका पैसा पेंडिंग में है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो पैसे को अभी आप ना तो निकाल सकते हैं ना तो किसी को भेज सकते हैं, ठीक है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, जब भी हम पैसे को किसी को भेजते हैं तो या तो सर्वर व्यस्त होते हैं या फिर किसी भी कारण से जो पैसा है वो नहीं जा पाता है, ठीक है, या फिर हो सकता है टेक्निकल कोई इशू हो, ठीक है, तो उस समय वो पैसा है ना तो सामने वाले की अकाउंट में जा पाता है और ना तो हमारे अकाउंट से हालांकि कट जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपको यहाँ पर इंतज़ार करना है 24 घंटे तक, ठीक है। आप यहाँ पर गूगल पे जो कि कस्टमर केयर से बात भी कर सकते हैं, तो आपकी ये प्रॉब्लम तो दूर होगी। रही बात सर्वर व्यस्त की वगैरह की, तो वो चलिए मैं आपको बता देता हूँ उस प्रॉब्लम को आखिर आप किस तरीके से ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर अपने फ़ोन से डिलीट कर दिया है, और ठीक है, क्योंकि मेरे सामने कई बार इस तरह की प्रॉब्लम आई थी एरर से रिलेटेड, ठीक है, तो मैंने उस प्रॉब्लम को यहाँ पर ठीक कर लिया था। अब फिर से वही प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर गूगल पे लिख देता हूँ, ठीक है, और आपको मैं ये भी बता दूँ, जैसे कि अगर आप एक इंडिया में हैं और इंडिया में अगर आपका काम नहीं कर रहा है तब तो ठीक है, ठीक है, तब आप इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। जैसे कि सिंगापुर या फिर कोई अन्य कंट्रीज़ में है, तो सबसे पहले ये देख लीजिएगा कि आपकी देश में जो गूगल पे है वो पूरी तरीके से चालू है कि नहीं है, क्योंकि कुछ देश में अभी भी जो गूगल पे है वो यहाँ पर बंद कर दिया गया है और कुछ सुविधा वहाँ पर चालू हैं, ठीक है, और यानी कि पूरी तरीके से गूगल पे शुरू नहीं है, क्योंकि जो गूगल कंपनी है वो कुछ नया लॉन्च कर रही है और उसी के ही जरिए आप सारे काम कर पाएंगे, ठीक है, तो इसलिए ये जल्द ही बंद कर दिया जाएगा पूरी तरीके से, ठीक है, और आने वाले समय में गूगल पे ही आप सारे काम कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसे पहले तो इंस्टॉल कर लेता हूँ, तो हमारा ये इंस्टॉल हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर स्पीड काफ़ी अच्छी है, तो देखते ही देखते यहाँ पर डाउनलोड हो जाता है एप्लीकेशन सही या फिर कुछ भी मूवी वगैरह कुछ भी सही, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सिंपली ओपन करता हूँ, ओपन करने के बाद में हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर से हम लॉगिन कर लेंगे, तो चलिए मैं यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालता हूँ, लॉगिन कर लेता हूँ। उसके बाद में आपको यहाँ पर कुछ एक बात को और ध्यान रखना है, जो आपकी ईमेल आईडी पहले थी वो ईमेल आईडी आपको यहाँ पर चेंज कर देना है, ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी चेंज कर देता हूँ, क्योंकि कई बार ये देखने को मिला है जब आपकी ईमेल आईडी में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होती है, ठीक है, या फिर आपने उसी ईमेल आईडी से दूसरे फ़ोन में लॉगिन करा रखा हुआ होता है और आप इस फ़ोन में भी कर रहे हैं, तब भी आपको यहाँ पर जैसे कि एरर की दिक्कत देखने को मिल जाती है, ठीक है, तो आप अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर चेंज कर पर अपनी ईमेल आईडी चेंज कर ली है। उसके बाद में मैं यहाँ पर एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पर सिंपली क्लिक करता हूँ और जो OTP है मेरे मोबाइल नंबर पर चला गया है, और देखते हैं, हालांकि यहाँ पर आ जाता है टोमेटो ही यहाँ पर वेरीफाई कर लेता है, तो हम कुछ सेकंड यहाँ पर वेट करते हैं, देख सकते हैं हमारा टोमेटो इसने पकड़ लिया है और यहाँ पर वेरीफाई ये हो गया है, ठीक है। उसके बाद में हमारे सामने कुछ इस तरीके से यहाँ पर इंटरफेस आ जाएगा, गो इट पर हम सिंपली क्लिक करेंगे। आपको इन सारे ऑप्शंस के बारे में मैं बताना ज़रूरी नहीं समझता हूँ, क्योंकि अगर आप गूगल पे यूज करते हैं तो आपको इन ऑप्शंस के बारे में पता होगा ही, ठीक है। अगर आपको पता नहीं है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उस पर मैं आपको एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ पर एक्टिवेट बैंक अकाउंट, इस पर हम सिंपली क्लिक करते हैं। इसमें मेरे दो बैंक अकाउंट हैं, ठीक है, तो मैं यहाँ पर मेरे दोनों ही बैंक अकाउंट आ चुके हैं, तो मैं यहाँ पर सिंपली कंटिन्यू पर सिंपली क्लिक कर देता हूँ, परमिशंस को अलाउ कर देता हूँ, SMS परमिशंस को भी मैं यहाँ पर अलाउ कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि परमिशंस को हमें अलाउ करना ही होगा तभी हम गूगल पे को यूज कर पाएंगे, ठीक है। कई बार ऐसा भी देखने को मिला है कि कुछ परमिशंस को हम अलाउ नहीं करते हैं, तब भी इस तरीके की प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है, तो आप सबसे पहले गूगल पे को डिलीट कर लें और नए सिरे से आप लॉगिन करें, ठीक है। उसके बाद में ये आपसे पूछ रहा है क्या आप अपना UPI जो पिन है वो क्या सेट करना चाहते हैं, हमारा पहले ही है तो इसे हमें करने की ज़रूरत नहीं है, हम नेट नाउ पर सिंपली क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि UPI पेमेंट से रिलेटेड इनकी कुछ टर्म कंडीशंस हैं, वो आपको यहाँ पर एक्सेप्ट करनी ही होंगी, तब आप गूगल पे को यूज कर पाएंगे। कहने का मतलब है 5,000 से अधिक आप 24 घंटे में
पैसे नहीं निकाल सकते हैं, यानी कि 24 घंटे तक आप 5,000 ही रुपये निकाल सकते हैं, उससे अधिक नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये इनकी एक प्राइवेसी है कि कोई भी अगर आपका फ़ोन ले लेता है या फिर अपना नंबर डाल के अपने फ़ोन में लॉगिन कर लेता है तो वो 5,000 निकाल पाएगा 24 घंटे तक, ठीक है। तो हम चलिए कंटिन्यू पर सिंपली क्लिक कर देते हैं, क्योंकि इनकी ये प्राइवेसी है तो ये तो हमें माननी ही पड़ेगी। उसके बाद में हम यहाँ पर चेक बैलेंस पर सिंपली क्लिक करते हैं। हो सकता है अब आपको यहाँ पर जो स्क्रीन है ब्लैक दिखाई देती हो, ठीक है, तो मैं अपना UPI पिन डाल देता हूँ और जो बैलेंस है वो देख सकते हैं मेरा यहाँ पर शो हो गया है बिना चिक चिक किए हुए, ठीक है। तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम है आप सॉल्व कर सकते हैं। इसी के साथ में अगर आप बैंक अकाउंट दूसरा ऐड करना चाहते हैं तो आपको करना क्या है, प्रोफाइल पर सिंपली क्लिक करेंगे, उसके बाद में बैंक अकाउंट पर सिंपली क्लिक करेंगे, जो भी आपका बैंक अकाउंट है वो आप यहां पर एक्टिवेट कर लेंगे, ठीक है। इसी के साथ में आप न्यू बैंक अकाउंट भी ऐड कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो मैं यहां पर चलिए सिंपली क्लिक करता हूं और मैं आपको एक परमिशंस और बताऊंगा जो कि आपको चेक कर लेनी है, अगर नहीं हो रहा तब ठीक है। तो मैं यहां पर सबसे पहले नोट नाउ पे सिंपली क्लिक कर देता हूं और बैक कर देते हैं और हम यहां पर चेक बैक बैलेंस, ठीक है, इस पर हम सिंपली क्लिक करेंगे और हम यहां पर सिंपली क्लिक कर देते हैं, अपना UPI पिन एंटर कर देते हैं। जैसे ही हम यस पर सिंपली क्लिक करते हैं तो जो हमारा बैलेंस है वो यहां पर शो हो चुका है और इस तरीके से हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसी के साथ में अब मैं आपको चलिए बता देता हूं कि आपको कहां से परमिशंस को चेक करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपने फ़ोन की सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ पर लिख देना है ऐप मैनेजर, ठीक है, या फिर मैनेजमेंट, इस तरीके से आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ऐप और मैनेजमेंट, ठीक है, या फिर हाँ मैनेजमेंट या फिर मैनेजमेंट पे ही आप सिंपली क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐप लिस्ट का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको सबसे पहले गूगल पे को चेक करना है, आखिर आपका गूगल पे कहाँ है, गूगल पे ये आ गया, इस पर हम सिंपली क्लिक करेंगे, परमिशंस पे जाएंगे। तो आपको यहाँ पर ये देख लेना है कि आखिर आपने कौन कौन सी परमिशंस दे रखी हैं, कौन कौन सी नहीं दे रखी हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर सारी परमिशंस को अलाउ कर देना है। जैसे ही आप अलाउ कर देते हैं तो जो आपकी परमिशंस हैं वो सारी की सारी चालू हैं, ठीक है। और इस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। और उसके बाद भी नहीं होती है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आखिर किस तरीके की दिक्कत आ रही है, ठीक है। आपको आप मुझे स्क्रीनशॉट भी भेज सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पर आईडी है मेरी टेक्निकल प्रेम शंकर नाम से, ठीक है। तो वहाँ पर आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं और आपका कोई भी सवाल है, कोई भी कन्फ्यूजन है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।